जय जिनेंद्र रमो जिड़ाणम। नमो जिड़ाणम। आप सभी का इस आज के इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे भी इस श्रृंखला में बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रुत पंचमी का महोत्सव हम लोग पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और श्रुत पंचमी के दिन चूँकि षटखंड आगम की रचना पूर्ण हुई थी और वो प्राकृत जैन आगमों का एक महत्वपूर्ण आगम है और शौरसेनी भाषा में लिखा गया आगम है, तो इस दृष्टि से उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए ऐसा विचार किया गया परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी द्वारा, और उनके द्वारा घोषणा भी हुई थी कि हम लोग प्राकृत भाषा के इस एक दिवस को मनाना चाहिए, ताकि उस दिन उस भाषा को लेकर लोग विचार करें, विमर्श करें, कुछ उसके संरक्षण का उपाय करें। और चूंकि उस दिन श्रुत रक्षा हमारी हुई थी, जो हमारी श्रुत परंपरा चली आ रही है उसके आगम की रक्षा हुई थी, इसलिए श्रुत पंचमी के दिन प्राकृत भाषा दिवस की घोषणा आचार्य परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने की थी कुंदकुंद भारती से। और वे प्राकृत के कवि सम्मेलन करवाया करते थे। मैं आज के दिन ये जब श्रृंखला चल रही थी तो हम लोग का ये प्रयास था कि देश के जो मूर्धन्य मनीषी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वरिष्ठ मनीषी हैं, वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा दें, और उन्होंने जो जो काम किया है उसके बारे में हम सभी को पता चले। इसके लिए श्रृंखला प्रारंभ की गई थी ये पागत भाषा और प्राकृत टाइम्स के आयोजकत्व में, और मुझे प्रसन्नता है कि ये दायित्व हमने सौंपा डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन मुंबई को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर हैं और दर्शन और भाषा के अच्छे वेत्ता हैं, तो हमने कहा कि आप ये अगर जिम्मेदारी संभालें, तो उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। और इसके पीछे आप सभी देखेंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, और उसमें लगभग हमारे परिवार के सभी लोग सम्मिलित हैं, वो चारों तरफ से इसको मैनेज कर रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी, जिन उनका मार्गदर्शन निरंतर इस श्रृंखला को चलाने के लिए मिल रहा है, और आज उन्हीं के आदेश से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ इस श्रृंखला की एक कड़ी बन करके। आज चूंकि एक वरिष्ठ विद्वान का यहाँ पर विशेष व्याख्यान होना था इस मंच पर, लेकिन कुछ अस्वस्थता के कारण उन्होंने अचानक इसके लिए क्षमा याचना की, और वो आगे हम उनको सुनेंगे आगे के दिनों में। तो आज का दिन हमारी श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए थी, गैप नहीं होना चाहिए था, इसलिए अभी एक डेढ़ घंटे पहले हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने मुझे ये आदेश दिया कि आप इस विषय पर बात कहें। उन्होंने कहा तुम इस, चूंकि मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हो प्राकृत भाषा को लेकर के, तो इस दिशा का अनुभव भी लोगों को पता चलना चाहिए और क्या आगे संभावनाएं हैं इस विषय पर। हम आज मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा, कुछ बातचीत करूंगा, और मेरा जो अनुभव रहा है और मैं जो प्रयोग कर रहा हूं, और वर्तमान में जो स्थिति इस समय इस प्राकृत भाषा और मीडिया को लेकर है, और आगे की क्या संभावनाएं, इस विषय पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति है कि कोई भी जब हम किसी भी वक्तव्य को या संगोष्ठी का शुभारंभ या मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो मंगलाचरण से करते हैं, तो मैं हमारी सहचरणी रुचि जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्राकृत का एक मंगलाचरण सुना करके आज की इस हमारी व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ करें। उसके बाद मैं आपसे कुछ जरूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ, मैं तुरंत आपके साथ फिर आऊँगा मंगलाचरण के लिए। रुचि जी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र नमो जिनाणम। मैं आप सभी के समक्ष प्रवचन सार का, जो कि आचार्य कुंदकुंद द्वारा विरचित है, मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। इस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धो दिखाई कम मलम परिमामि बढ़िमाणम तीर्थम धम्मस कत्तारम से पुणितीर्थ यरे ससव्य सिद्धे
विशुद्ध स्वभावे समिणे याणाणि दंशन चरित तविवीरिया रे ते सवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि आवर्तन्ते अरिहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तेणमो गणहराणं अज्जावैव गाणं साहुणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंशन णाणिपहाण समं समासे जा उव संपयामि समं जत्तोणि वाणि संपत्ति जत्तोणि वाणि संपत्ति जत्तोणि वाणि संपत्ति नमो जुड़ाणि। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज जो हमारे व्याख्यान श्रृंखला चल रही है उसी के परिपेक्ष में आज कुछ इस विषय पर हम परिचर्चा करते हैं कि क्या आज मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है प्राकृत भाषा के संरक्षण में, और सिर्फ प्राकृत भाषा ही नहीं बल्कि हमारी जो प्राचीन भाषाएं भारत की संस्कृतियां हैं और हमारी जो खासकर संस्कृत भाषा है, प्राचीन भाषा है, प्राकृत भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, एक तो इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों इनको हम संरक्षित करें, क्यों उनको बढ़ावा दें, पहला प्रश्न आज के युवाओं का ये होता है। दूसरा, मीडिया इस बारे में क्या रोल अदा कर सकता है और क्यों करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आजकल मीडिया के संदर्भ में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि मीडिया हाउस बात भले ही सेवा की करता है लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, और जहां उसको टीआरपी ज़्यादा मिलती है, जहां उसको इनकम ज़्यादा होती है या जहां उसकी उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है वो काम वो करना ज़्यादा पसंद करता है, और लोगों की पसंद के आधार पर ही वो ये निर्णय करता है कि हमको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है कि हम लोग अगर 100% काम इस दिशा में ये कर रहे हैं कि जो लोग पसंद करते हैं वो हमें दिखाना है तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। कुछ दायित्व संपादकों का और जो मीडिया के प्रमुख होते हैं उनका ये भी होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हम ऐसी दिखाएंगे जो आप पसंद करते हैं और कुछ चीज़ें हम वो दिखाएंगे जो आपको देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। हमें श्रोताओं का, पाठकों का स्तर भी ऊंचा उठाने का दायित्व तो निभाना चाहिए। ये संपादकों का और मीडिया हाउस का बहुत बड़ा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल्स हो, कोई भी हो, मतलब सारी जितने भी आजकल संचार माध्यम हैं उन सभी के लिए बात बहुत विचारणीय है। और मैं ये नहीं कहता सब लोग ऐसा करते, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसा कोशिश कर भी रहे हैं, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। मुझे ये प्रेरणा एक प्राप्त हुई और एक छोटी सी घटना बता के अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि एक दिन मैं आचार्य, परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी के दर्शन करने गया, और आज मैं मानता हूँ, मैंने एक लेख भी लिखा है कि वो प्राकृत भाषा के मसीहा थे। उन्होंने प्राकृत भाषा को एक झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाने का बहुत बड़ा काम, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था, उन्होंने किया है। पहले धरसेनाचार्य ने षटखंडागम के माध्यम से श्रुत की रक्षा की थी, प्राकृत भाषा की रक्षा की थी, और आज के इस युग में यदि किसी ने उसका संरक्षण किया, ने शुरुआत की, देखिए आज फिर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन दिनों में जब इसका कोई नाम भी नहीं लेता था, मैं बताऊं आपको, इवन विद्वानों तक में इसकी रुचि नहीं थी, साधुओं को भी प्राकृत भाषा में रुचि नहीं थी। उस समय, उन दिनों में आचार्य विद्यानंद जी ने इसका झंडा ऊपर किया और लोगों के अंदर उसकी प्रेरणा जगाई,
उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपने प्रवचनों में भी प्राकृत की गाथाएं जरूर सुनाते थे। अब देखिए, प्रवचनों में प्राकृत की गाथाएं सुनाना कौन समझता है, जनता है, किसको आता है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, हम ये मूल ग्रंथों का उद्धरण जरूर करेंगे। ये उनका व्रत था, संकल्प था, और वो किसी को पसंद आए नहीं आए लेकिन वो सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की भी उसमें रुचि बढ़ने लगी और लोग उसका आस्वादन लेने लगे, उसका आनंद लेने लगे, और लोग ये समझने लगे कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इस भाषा के क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए। अभी हमने जो ये श्रृंखला प्रारंभ की उसमें हमने सबसे पहले एक प्रयोग किया कि ये सफल होती है कि नहीं देखते हैं, और कहाँ से शुरुआत करें, इस तरह के मन में तरह की बातें आ रही थी। तो मैंने डॉक्टर अरिहंत से निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत इसको उत्साह के साथ इसको ग्रहण किया और कहा कि नहीं, मैं इस काम को करूँगा और आप देखिएगा बहुत सफल रहेगा। तो हमने कहा एक बार प्रयोग करते। तो अब किसके लिए, तो मैंने सबसे पहले अपने पिताजी से निवेदन किया, आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी से, कि आप घर पर ही एक लाइव लेक्चर इसका आयोजन करते हैं, फिर देखते हैं इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है और आगे किस तरीके से हमको आगे जाना है। और बिना किसी पूर्व भूमिका के हमने उसको प्रारंभ कर दिया, और मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ जो रिस्पॉन्स हमको मिला, लोगों के जो फ़ोन आए, मैसेज आए, उसको देख करके लगा कि अरे लोगों को तो ये चीज़ चाहिए। हम लोग बिना वजह ये बात बोलते रहते हैं कि कौन सुनेगा, कौन पसंद करेगा, लेकिन लोगों को चाहिए। और आज के हमारे विषय की शुरुआत यहीं से होती है। हमने इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया, इस लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने अपने घरों में हैं और हम लोग अपना अध्ययन मनन स्वाध्याय भी कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके पास बहुत अनुभव हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या कि जो हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं उन्होंने इतना शास्त्रों के साथ, पांडुलिपियों के साथ, जैसा कि कल हमने प्रोफेसर राजा राम जी को सुना, उन्होंने अपना पूरा 90-92 साल के हो गए तो भी आज पांडुलिपियों पर काम करते चले जा रहे हैं। उनकी बात को सुनकर कितने लोग प्रभावित हुए होंगे और उन्होंने कितने लोगों ने कहा कि हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रेरणा का काम कैसे सिद्ध हुआ, मीडिया के माध्यम से। ये है मीडिया की उपयोगिता। हमने उनके परिवार वालों से संपर्क किया क्योंकि वो स्वयं जो वयोवृद्ध विद्वान हैं वे मीडिया की टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, ये हम सब जानते हैं, और जरूरी भी नहीं है क्योंकि वो शास्त्रों में उन्होंने अपना जीवन लगाया है। लेकिन उनके परिवार वालों ने तुरंत इस चीज़ को संज्ञान में लिया, उनको सबको टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, तो उन्होंने कहा हम इस काम को करेंगे और उनसे संपर्क साधा। और आपने देखा किस तरह से हमारे अभी 5 व्याख्यान लगभग हो चुके हैं और कैसे वरिष्ठ मनीषी जिन्होंने पूरे विश्व में प्राकृत भाषा को लेकर तहलका मचाया हुआ है और जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है इस भाषा को लेकर, उन्होंने एक काम किया। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई, मीडिया के माध्यम से। हमने फेसबुक पेज, ये मुझे ध्यान है मैंने सन 2011 में प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेज बनाया था, और जब मैंने बनाया तो अपने आप ही इसमें लगभग 1000 के करीब लाइक्स आ गए। तो मुझे उस समय लगा कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मैंने उस समय एक वेबसाइट का निर्माण भी किया था अपने लेवल पे जो मैं कर सकता था, और एक ब्लॉग भी बनाया था गूगल पर प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर नाम से, और जिस पे मैंने कई सूचनाएं प्रसारित की। उन दिनों इस तरह की चर्चा चल रही थी और उतना वातावरण था नहीं, लगभग 8 साल की बात हो चुकी है, लेकिन मैंने ये शुरुआत की। मैंने कहा कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी के साधन है, मीडिया के साधन है, हम लोग सिर्फ शास्त्रों तक सीमित ना रहें बल्कि उन शास्त्रों के ज्ञान को, उस भाषा को मीडिया के माध्यम से बाहर हमें लाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ एक मीडिया के नए युग की शुरुआत हुई है और हम इस भाषा को इस मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुँचा सकते हैं, नई पीढ़ी के अंदर ये संदेश दे सकते हैं, उनके अंदर ये वो जज्बा है। और आप विश्वास मानिए, आज जो मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं फेसबुक पर भी और सोशल मीडिया पर, लोग ऐसे ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई वकील है, CA हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और वो कहते हैं हमें भाषा सीखना है। आप सोचिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, लेकिन उनके अंदर कुछ नया करने का जज्बा है, वो चाहते हैं, उनको राह नहीं मिल पा रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई
अभी जो प्राकृत के कई कोर्स चलते हैं, जैसे जैन विद्या संस्थान, जैसे प्रोफेसर कमलचंद सोगानी जी को हमने सुना था, उन्होंने प्राकृत के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की। पत्राचार, ये भी एक मीडियम है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के माध्यम से उन्होंने जगह जगह हजारों विद्यार्थी प्राकृत भाषा के प्रशिक्षित करके तैयार किए हैं, जो आज सीधे ग्रंथों को पढ़ने के लिए तैयार हैं। और प्राकृत भाषा में रचनाएं भी कर रहे हैं, बहुत सारे गद्य भी लिख रहे हैं, पद्य भी लिख रहे हैं। तो देखिए, साहित्य भी उसका समृद्ध धीरे धीरे होता चला जा रहा है। और एक बहुत बड़ा काम भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी ने किया, जिसमें मैं भी बहुत वर्षों तक मैं पढ़ाता रहा वहाँ पर, और आज भी अवसर मिलता है तो जब मैं वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने जाता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों के कितने लोग प्राकृत भाषा को लेकर जागरूक हैं। लगातार 25, मैं समझता हूँ 26, 27 साल या 30 साल भी हो गए हों, लगातार किसी एक कार्यक्रम को चलाना और सारा शैक्षणिक वातावरण प्रदान करते हुए चलाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, प्राकृत भाषा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम रहा है। उस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ से, चूंकि मैं स्वयं वहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने जो भी प्राकृत भाषा का थोड़ा बहुत अभ्यास किया वहाँ पर गुरुचरणों में बैठकर गुरुओं के माध्यम से सीखा है, और मैंने वो जो कुछ भी सीखा, मुझे लगा इसका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर आगे बात बनेगी नहीं। इसलिए मैंने इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से एक शुरुआत करने का प्रयत्न किया, और मैंने इसीलिए आज विषय भी रखा है कि प्राकृत भाषा और मीडिया। अब देखिए आप, मीडिया के माध्यम से मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रयोग कर ही रहे थे जितनी अपनी क्षमता थी, जैसे फेसबुक पर मैंने एक पेज बनाया, और सोशल मीडिया पर मैंने ग्रुप्स बनाए थे, और उसके बाद एक ब्लॉग बनाया। ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाई थी पावर पॉइंट पर, प्राकृत भाषा को सिखाने की। ये मैं तैयारी कर ही रहा था कि एक दिन मैं आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास गया, और मैंने कहा कि प्राकृत के क्षेत्र में और क्या क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिखाया, और वो पत्र था शीला दीक्षित जी का, जो मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की थी उन दिनों में। तो उनका एक पत्र आया था, और वो पत्र एक उत्तर के रूप में था, एक प्रस्ताव गया था दिल्ली सरकार के पास कि प्राकृत भाषा की अकादमी बनाई जाए, ऐसा एक प्रस्ताव भेजा गया था। तो उसके उत्तर में वहां से आया था कि आप कह तो रहे हैं, लेकिन प्राकृत भाषा में क्या होता है, कौन क्या करता है, क्या कोई प्राकृत बोलता है, आप हमें बताइए। फिर प्राकृत भाषा में आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या ये प्रयोग में लाई जा रही है, क्या इस पे भाषण होते हैं। और उसमें बहुत सारे बिंदु थे, लेकिन एक बिंदु ये भी था कि क्या प्राकृत भाषा में कोई अखबार भी निकलता है, ये प्रश्न पूछा था सरकार ने। तो जब चर्चा हुई तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, एक अखबार निकाला जा सकता है, लेकिन अखबार निकालना इतना आसान तो नहीं होता किसी चीज के लिए। लेकिन मैंने देखा कि जब गुरुओं का आशीर्वाद हो और अंदर में कुछ जज्बा हो तो सब कुछ संभव है। मैंने एक सुअवसर सन 2013 में एक हमारे सामने उपस्थित हुआ था, 2014 में, सॉरी 2014 में, 13 अप्रैल 2014 की बात है, भगवान महावीर जयंती मनाई जानी थी, और इस सुअवसर पर आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी यहाँ दिल्ली में पदार्पण हुआ था, यहाँ अहिंसा स्थल पर उनके दर्शन हुए। और 14 अप्रैल को दो आचार्यों को साथ में बैठकर महावीर जयंती का आयोजन कुंकुन भारती में होना था। और उस समय, मैं ये सिर्फ इसलिए बात बता रहा हूँ कैसे किस तरीके से शुरुआत होती है, उस समय कुछ 2 दिन पहले आचार्य श्री ने मुझसे कहा कि तुम इसका अखबार निकालो, उनके ये शब्द थे। तो मैंने कहा, मैं बोले हाँ निकाल सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो आज के दिन विमोचन हो सकता है। तो मैंने 2 दिन के अंदर एक 2 पेज का प्राकृत का मैटर, एक समाचार और कुछ गाथाएं और एक कहानी लिख करके, और उसका ऐसे प्रिंट निकलवा करके मैंने आचार्य श्री को दिखाया कि इस तरह। तो उन्होंने कहा कल महावीर जयंती का सुअवसर है और इसका हम विमोचन कल के कार्यक्रम में करो और ये शुरुआत कर दो। तो देखिए, 1-2 दिन के अंदर वो बात की शुरुआत हुई, और मैंने उसको इकट्ठा किया,
और उनके सामने जब मैं वहाँ पे महावीर जयंती के दिन ले गया तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी उस समय उन्होंने बहुत आशीर्वाद देते हुए इसका विमोचन किया। और उसका मैं दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास उसकी तस्वीर है। ये जो पागत भाषा अखबार मैंने, ये ब्लैक एंड वाइट में है, उस समय मैंने खोला था। और ये इसमें देखिए, ये यहाँ पर ये चित्र है जिसमें आचार्य विद्यानंद जी और आचार्य वर्धमान सागर जी ने इसका विमोचन किया था। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उसी समय की उसी सभा में महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल सेठी जी बैठे थे, और उन्होंने जैसे ही सुना कि प्राकृत भाषा के बारे में अखबार निकाल रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग की घोषणा की और कहा कि मैं इसमें पूरा सहयोग करूंगा, आप इसको छापिए। मैं आज के नवयुवकों से और नवोदित विद्वानों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, कोई आप काम करने का सोचिए, भर थोड़ा सा करके दिखाइए, लोग हाथों में लेने को तैयार हैं। और देखा मैंने कि सारे संत खुश हो रहे हैं और विद्वान भी खुश हो रहे हैं। मुझे मेरे हमारे गुरुजनों ने बहुत इसके लिए उत्साह बढ़ाया, और तब से मैंने ये पागत भाषा, इसके कई अंक मेरे पास हैं। देखिए, मैंने ये पागत भाषा का अंक निरंतर निकालना प्रारंभ किया। और इसके लिए एक और बात समझ में आई कि हम इस तरह से घर में निकालेंगे तो बात बनेगी नहीं, इसका प्रॉपर लीगल एस्पेक्ट होना चाहिए और इसको प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार में होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्रयास किया, लगभग मुझे साल भर लग गए इसके RNI का नंबर लेने में। और उसकी विलंब का बहुत बड़ा कारण था, वो भी आप कहानी सुन लीजिए। उसका विलंब का सबसे बड़ा कारण था कि RNI में जब हमने एप्लीकेशन भेजी तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि आप यहाँ आकर मिलिए। तो उनके पास गए तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर रहे हैं। बोली, ये कौन सी भाषा है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं? तो मैंने कहा, क्यों, ये प्राकृत भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है। और मैं एक दो पांडुलिपि उनको दिखाने के लिए ले गया था कि देखिए इस तरह से प्राचीन भाषा है। तो उन्होंने कहा, नहीं आपकी बात नहीं, हमारे साथ समस्या ये है कि हम लैंग्वेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे इंग्लिश का हो तो इंग्लिश के नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, हिंदी का तो हिंदी। तो ये जो आपने लैंग्वेज लिखी है इसका तो कॉलम ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज तक इस तरह का कोई अखबार, कोई मैगजीन, कोई छपी नहीं इस भाषा के आधार पर, तो हम कहाँ इसका रजिस्ट्रेशन करें। तो मैंने कहा, सर जब केस पहला आता है तभी तो उसके ऑप्शन चुने जाते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे अपने बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी और इसके लिए एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, सर बनाइए, मैंने तो एप्लीकेशन दी और भारत की भाषा है, प्राचीन भाषा है, तो आप इसमें मैं काम करना चाहता हूँ, तो आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो कुछ 1-1.5 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया कि आपको बधाई हो और हमारे अधिकारियों ने इस बात को मान लिया है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन हमारा इस बात का होना चाहिए कि ये एक लैंग्वेज है और इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उन्होंने मुझे दूसरी बधाई ये दी कि मैंने आपको टाइटल कोड दिया है और आपका जो सबसे पहला नंबर है, उन्होंने नंबर बताया था DEL मीन्स दिल्ली, PRA मीन्स प्राकृत, फिर उन्होंने कहा 0001। आप देखिए, किसी भी लैंग्वेज में अभी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको सैकड़ों में हजारों में नंबर मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे उन्होंने 1 नंबर दिया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने प्रयास किया है, ये प्राकृत भाषा का पहला अखबार आपके सामने आया है और ये रजिस्ट्रेशन पहला, ये इतिहास की घटना हो गई। तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ था और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये भी देखिए एक मैंने इतिहास बनने की दिशा में काम हो गया। और मुझे बहुत सभी विद्वानों ने इसके लिए प्रोत्साहित किया कि आप ये काम करिए। और सबसे बड़ी बात, इस मीडिया के माध्यम से एक मंच बन गया। और इस मंच में देखिए, जैसे हमने ये प्रारंभ किया तो इसमें राष्ट्रभक्ति नामक गीत छपाया और मोदी जी की फ़ोटो छपी है। उसी समय मोदी जी सरकार में आए थे और उन्होंने प्राकृत भाषा में बोला था। आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी अभी जब उनके पहली सरकार की विदाई हो रही थी तब उन्होंने मिच्छामी दुक्कड़म शब्द करके सबसे विपक्ष से और पक्ष सबसे क्षमा याचना की थी कि साहब हमारे यहाँ जैन संस्कृति में एक क्षमा याचना की जाती है, तो मैं
इस दौरान, इस सत्र के दौरान जो भी कहीं मतभेद हो गए हों, मनभेद हो गए हों, तो मैं सबके लिए बड़ी विनम्रता से, तो उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम शब्द का प्रयोग किया। तो मिच्छामि दुक्कडम हमारे आगमों का शब्द है और इस आगम में, प्रतिक्रमण में हर जगह बोला जाता है। तो भारत देश का प्रधानमंत्री उस शब्द को बोल रहा है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात थी। तो मैंने उसको समाचार बनाकर छापा। तो देखिए, गद्य में मैं मानता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की तो मुझे थोड़ी समस्या इस बात की हुई कि प्राकृत में समाचार कैसे लेके जाएं, क्योंकि तो समाचार पत्र है, गाथाएं लिखी जा सकती हैं, लेख लिखे जा सकते हैं और पुराने निबंध छापे जा सकते हैं, लेकिन समाचार कैसे बनेंगे, और उसके लिए कुछ नए नए प्रयोग, नए नए शब्दों को लेना पड़ेगा, हर चीज़ का अनुवाद संभव नहीं है। तो मैंने फिर भी कोशिश की और मैंने समाचार लिखना प्रारंभ किया। तो आप ये समझ लिए, इदम तया प्रथम तया ये बात हुई कि मीडिया के क्षेत्र में कभी भी प्राकृत का प्रयोग नहीं होता था, और मैंने उसको, भले ही समाचार छोटे हों, संक्षिप्त हों, लेकिन समाचारों के माध्यम से, क्योंकि समाचार पढ़ने में लोगों को बहुत रुचि होती है, तो ये पहली घटना हुई कि प्राकृत भाषा में समाचार भी लिखे जा रहे हैं। अभी तक आगम ग्रंथ लिखे जाते थे, साहित्यिक ग्रंथ लिखे जाते थे, लेकिन कभी भी समाचार नहीं लिखा जाता था। तो ये पहली घटना हुई कि प्राकृत भाषा में समाचार लिखे जा रहे हैं। अब जब मैंने लिखा, छपा और जन जन तक पहुंचा, मैंने उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग किया। मैंने इसकी JPG फाइल बनाई, मीडिया प्रिंट मीडिया मैंने PDF फाइल बनाई और उसको WhatsApp ग्रुप के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से देश विदेश तक भेजा। इसकी प्रतियां मैंने 500,000 ही छापी, ज़्यादा नहीं छापी, लेकिन मैंने सब जगह, और इसका पूरा निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया। इसमें एक पैसा किसी से इसका शुल्क नहीं लिया जाता, और मैंने इसका निःशुल्क, तो मुझे इसका जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और ये जो महत्वपूर्ण बात हुई, उसने मेरा उत्साह बढ़ाया, और मैं मानता हूँ कि आज भी मेरे गुरुओं ने आशीर्वाद दिया। मैंने जब ये समाचार पत्र भेजा तो जो प्राकृत के बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने मुझे लिख लिख करके और मैसेज के माध्यम से मुझे सूचित किया, जैसे कहीं ये प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और शुरू में जो मुझे घबराहट हो रही थी, उससे भी मुझे आत्मविश्वास जागृत हुआ कि अगर हम नदी में जाएंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे। और हम ये सोचें, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी विद्वत्ता का दावा नहीं कर रहा हूँ इस अखबार के माध्यम से, लेकिन मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं एक सेमिनार में गया तो वहाँ भी इस विषय पर डिस्कशन हुआ कि आपने अखबार में ऐसा प्रयोग क्यों किया। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लॉकडाउन शब्द है, तो लॉकडाउन, अब चूंकि प्राकृत बड़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, वो हर भाषा के जो देशज प्रयोग होते हैं उनको ग्रहण कर लेती है, तो हमने उसका अगर प्राकृतिकरण किया तो थोड़ा जो हमारे परंपरा के आदरणीय विद्वान हैं, उन्होंने इस पर आक्षेप किया कि आप इस तरह के प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो मैंने ये निवेदन किया कि कम से कम प्राकृत भाषा में, चूंकि प्राचीन काल में प्राकृत भाषा जिस रूप में थी उस समय भी वो परिवर्तनशील रही है, और ये इसका मूल स्वभाव है। पहले प्राकृत चलती थी और आज उसके बाद बदलते हुए अपभ्रंश आई, फिर उसके बाद हमने देखा ये हिंदी का विकास हुआ। तो आज आप और हम जो बोल रहे हैं, दरअसल प्राकृत ही बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, प्राकृत का ही बदला हुआ रूप है। तो आज हमने उसका नाम बदल दिया हिंदी, लेकिन आज हमको प्राचीन शास्त्र पढ़ने हो तो वो वाली प्राकृत भाषा वैसी सीखनी पड़ेगी, और आज अगर उस भाषा को जीवित रखना हो तो आज के अनुसार भी उसके प्रयोग कुछ करने पड़ेंगे। तो मैंने यूं ही इस संदर्भ में, जब एक सेमिनार में चर्चा हो रही थी, तो मैंने ये कह दिया कि आप जो प्राकृत के भेद हमने प्रसिद्ध हैं बनाते हैं, जैसे मान लीजिए शौर सैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, पैसाची, चूली का पैसाची, महाराष्ट्री, ऐसे जो हमने प्राकृत के भेद बनाए हैं, उसमें भी एक शिलालेखी प्राकृत है। अब शिलालेखी प्राकृत को अब जब आप समझने बैठते हैं, तब आपको लगता है कि जो हम और प्राकृत जानते हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि वो अर्थ निकालना कठिन हो जाता है, तो वहाँ पे हमें कहना पड़ता है ये शिलालेखी प्राकृत है। तो क्यों ना हम एक नया ऑप्शन इसमें गर्भित कर दें और कहें ये मीडिया प्राकृत है, क्योंकि आपको मीडिया प्राकृत में, जब आप मीडिया के क्षेत्र में आएंगे, तो कुछ ना कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। यहाँ उसको
नष्ट करना, भ्रष्ट करना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसको फ्लेक्सिबल बनाना उद्देश्य है, ताकि आगे भी हमारी बातें उस बारे में हो सके। तो बंधुओं, ये प्रयोग था, और प्रयोग सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, उसमें कई लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है, कई लोगों की प्रशंसा भी सहनी पड़ती है, सब होता है। लेकिन मैंने कहा, अगर हम प्रयोग करते रहेंगे तो उसमें कुछ सुधार होगा, और मैं हर तरह के संशोधन और हर तरह की उसमें जो सुधार है, जो कोई सलाह देता है, मैं उसको इसमें, बहुत सारे लोगों ने मुझे कई तरह के संशोधन बताए, मैंने इसको स्वीकार किया। जैसे एक संशोधन मैं बताता हूँ आपको, मैं एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जापान गया था, टोक्यो में, और वहाँ टोक्यो में वहाँ की जो समाज थी, उन्होंने जब अखबार में पढ़ा कि कोई जैनिज्म पर बोलने के लिए एक भारत से विद्वान आए हैं, तो वो वहाँ, जहाँ हम होटल में रुके थे, पता लगा के वहाँ आ गए, और उन्होंने कहा कि एक लेक्चर आप हमारे रात के समय हमारी समाज के अंदर दें। तो मैंने वहाँ पर उनको प्राकृत भाषा का ये अंक दिखाया कि ये हम ये प्रयोग कर रहे हैं, तो बड़े खुश हुए, करें हम भी सीखना चाहते। आप देखो, उनके अंदर इतना उत्साह था कि हम ये भाषा सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमें आगम को समझना है, आगम पढ़ना है। तो लोगों के अंदर, और उन्होंने एक नई बात कही, हमने कहा कि हम इसको कलर में निकालना चाहते हैं, कलर एडिशन निकालेंगे ताकि अट्रैक्शन रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राचीन भाषा है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही चलाने दीजिए। उनकी देखिए भावना ये थी कि इसका जो लुक, प्राकृत का लुक ब्लैक एंड व्हाइट में उसका जैसा ओरिजिनल लगता है, वो कलर में नहीं लगता। तो ये उनकी भावना थी, तो मैंने उसका भी सम्मान किया। तो एक अंक जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ही निकला, फिर बाद में भले ही कलर में निकालने लग गए। तो आज हम चाहें तो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारे हमारे युवा साथी विद्वान, अनेक विद्वान हैं, वो वास्तव में काम कर रहे हैं। कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हमारे कई मित्रों ने प्राकृत प्रशिक्षण का प्रोग्राम बनाया है और प्राकृत के पाठों को उसमें टाइप करके डाला है। मैं आपको बताऊं, प्राकृत को टाइप करना बहुत कठिन होता है, और इस संबंध में एक आपको जानकारी दूं, एक माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट में भाषा प्रौद्योगिकी में काम करने वाले हैं, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक और विचारक बालेंदु दाधीच, उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया इस बारे में, और वो पूछने लगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं, और इस भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चूंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं प्राकृत लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हूँ, और आपका मैंने फेसबुक पे और कई पत्रिका वगैरह देखी, इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें। तो काफ़ी देर उनसे डिस्कशन हुआ, और आज जब यूनिकोड हमारे सामने हैं, पहले हमें फॉन्ट की बहुत बड़ी समस्या होती थी, और आज यूनिकोड हमारे सामने है, और यूनिकोड में आप देखें, मैं तो निवेदन करूँगा हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और जो आगम में रुचि रखते हैं ऐसे लोगों से, कि देखिए आप यूनिकोड में अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आता है, और हमने देखा कि गूगल इनपुट जो हम लोग टाइप करते हैं, अधिकतर लोग हम में से टाइपिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम फेसबुक और अपना ईमेल वगैरह टाइप करते हैं हिंदी में, तो हमको यूनिकोड जो गूगल इनपुट वाला वो ज़्यादा कार्यकारी होता है, क्योंकि हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, वहाँ लिख के हिंदी में या संस्कृत में आ जाता है, तो उसमें अपने आप शब्द बन करके आ जाते हैं। अभी मैं ये समस्या आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अभी इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जो लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है उनमें कुछ लोग इस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हों और उनका अधिकार इस विषय में हो, तो वो कुछ उपाय हमको सुझा सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया, तो अगर मुझे आधा ण और ण टाइप करना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे जिणाणम लिखना है तो जी णा और ण पे बिंदु लगानी हो तो नहीं लग कर आती, ऑटोमेटिक लिख कर नहीं आती, हमें मैनुअल टाइपिंग में जा करके यूनिकोड को सिलेक्ट करके फिर उसमें बिंदी अलग से लगानी पड़ती। लेकिन अगर मैं संस्कृत में लिखता हूँ तो मेरे पास संस्कृत लैंग्वेज का ऑप्शन है गूगल इनपुट में, हिंदी का ऑप्शन है गूगल इनपुट पर, और उसको सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी के वर्ड बन बन कर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे शब्द लिखना है अनुप्रेक्षा, तो मैं अनु लिखता हूँ और प्रेक्षा अपने आप लिख कर आ जाता है, क्योंकि उसमें वो फीड है उसकी डिक्शनरी में। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर में हमारे जो गूगल इनपुट है उसमें बहुत सारी भाषाएं सिलेक्ट करने के लिए आती हैं।
तो यदि आप इस विषय में काम करें तो एक प्राकृत लैंग्वेज का भी अगर आप उसमें डाल दें, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके, तो निश्चित रूप से जो प्राकृत में टाइपिंग होती है, जैसे हमें बहुत सारी गाथाएं टाइप करनी है, तो कोई भी इस गाथा को फिर टाइप कर पाएगा। मान अड़मो कार मंत्र भी लिखना है तो हमें अड़ा अलग लगाना पड़ता है, मुँह अलग लगाना पड़ता है, अड़ा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो नहीं लगकर आएगी, नो लिखकर आ जाएगा। तो इस तरीके की काफ़ी समस्याएं अभी मीडिया में आती हैं और हम उसको कहना, देशी भाषा में कहना चाहिए, जुगाड़ के माध्यम से टाइप करते हैं, कभी इधर से कुछ ले लेंगे कभी इधर से। और इसी कारण ये फीलिंग मुझे इसलिए होती है कि मुझे ये अखबार निकालने में बड़ी कठिनाई होती है, कभी कभी लेट भी हो जाता है, बहुत समय लगता है, क्योंकि एक टाइपिस्ट जिसको मैंने प्राकृत की टाइपिंग का अभ्यास कराया, जैसे ही वो अभ्यस्त हुआ और सीखने लगा वो कहीं और चला गया, फिर नया आया उसको सिखाने में समय लग गया। और चूंकि हम लोग टाइपिंग उतनी अच्छी जानते नहीं है, ना इस विषय में महारत हासिल है, तो वो कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्राकृत के क्षेत्र में काम करें, मेरा ये निवेदन है। और निश्चित रूप से आपको समर्पित होकर काम करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि आप दूसरी जगह से बहुत पैसा कमा लीजिए, लेकिन इधर आपको ये सोच के काम करना पड़ेगा कि दीज आर आवर कंट्रीब्यूशंस, तो हमको अपने कंट्रीब्यूशन देना है, हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, इसलिए हमको इस भाषा को विकसित करना है, आगम की रक्षा करनी है। और बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मीडिया के माध्यम, तो मीडिया तो फिर भी अचेतन है, लेकिन चेतना के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग कैसे कैसे हो सकता है। तो एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, हमारे मित्र हैं, उन्होंने दक्षिण भारत में जो स्वर्ण बेलगोला में स्तुति चलती है बाहुबली सामी कन्नड़ में, उसका उन्होंने प्राकृत में अनुवाद किया। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ अनुवाद करने से क्या होगा, और इसको मैंने इसमें प्रकाशित किया, पागत भाषा ये एक अंक प्रकाशित किया था स्वर्ण बेलगोला महामस्तकाभिषेक के अवसर पर। और इसको जब उस अवसर पर मैंने प्रकाशित किया तो इसमें मैंने प्राचीन काल में बाहुबली का जितना भी संदर्भ प्राकृत आगमों में मिलता है उसको इसमें मैंने संकलित किया है, और उसके बाद हमारे आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने बाहुबली के बारे में जो जो रचनाएँ लिखी हैं वो सब भी मैंने इसमें संकलित करने की कोशिश की। तो ये एक स्मरणीय अंक बन गया, और ये वहाँ पर स्वर्ण बेलगोला में पूज्य चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने जब इस अंक को देखा तो उनके एक शब्द थे, एक उद्गार था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहुबली भगवान का अभिषेक कई तरह से होता है, जलाभिषेक भी होता है, पंचामृत अभिषेक भी होता है, और उस उपलक्ष में बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि वो अक्षराभिषेक भी भगवान का हमने कर दिया। तो जब ये अंक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि प्राकृताभिषेक भी हो गया भगवान का। तो बाहुबली की वो भूमि, पवित्र भूमि जहाँ पर उनकी मूर्ति है, वहाँ पर चंद्रगिरी और पहाड़ियों पर कितने शिलालेख हैं, कितनी गुफाएँ हैं, उन सब में प्राकृत के गीत गाए गए हैं। तो उस स्थान पर इसका बहुत भव्य विमोचन का आयोजन किया। हमने ये प्रयास किया कि हमारे बच्चे भी इस बारे में कुछ ना कुछ बोलें, और उनको तो उस समय तुरंत इस बाहुबली स्तुति को मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम तैयार करो, क्योंकि प्राकृत जीवंत होकर सामने आनी चाहिए, उसका गीत बनकर सामने आना चाहिए। तो जब स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा अरे ये तो कन्नड़ का प्रसिद्ध गीत है और आप प्राकृत में गा रहे हैं, तो बड़े आनंदित हो गए। तो मैं अपने इसी श्रृंखला में अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन बीच में मैं हम लोग परिवार में भी प्राकृत का प्रयोग करते हैं ये आपको बताता हूँ। और मैं, मेरी बेटी अनुप्रेक्षा, मैं इससे कहता हूँ कि वो प्राकृत का एक गीत आपको सुनाएगी, थोड़ा आपको इस विषय पर भी एक विषय का परिवर्तन होगा, और उस प्राकृत के गीत के बाद मैं आपको कुछ सजेशन मीडिया के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में आपसे बातचीत करूं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बाहुबली सामी तुम लो या सामी मूर्ति संति आ पई देने सिम रामो पई देने
आए रम रज दई सब रज सब दाई सब रज सब दाई सुरंदा देविया गोभिण जमिया अणु में की रथी आड़ई लो यम्मी डिठियूं अणु जो हो या अग जो होई विवे बंदो बाहु सह हो उड़ा बाहु सह हो उड़ा संतिया बयड़म ओ जल रिड़यम वे सस आदर सा तो जय पायाणी तो जय पायाणी बिल गुल रायो अड़ंत तेयो वे सथ धवल पाऊ तो जय पायाणी तो जय पायाणी बाहुबलि सामी तुम लोय सामी मूरति संति आ पई दिन सिमरामो पई दिन सिमरामो नमो जड़ानम। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा ये भी एक मीडिया का माध्यम है, आप किस तरह से प्राकृत को गा करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसमें कितना आनंद है, उसको सुनने से कितना आनंद होता है। ये एक प्रयोग, तो हम कहीं और प्रयोग नहीं कर पाते तो अपने घरों में ही प्रयोग करते रहते हैं। और मैंने कोशिश की है कि मेरा परिवार एक प्राकृत परिवार बने, क्योंकि हमें अपने माता पिता से ये प्रेरणा मिली है हमारे सभी। एक बात आपको और बताऊं, हमारी बहन है डॉक्टर इंदु जैन, वो प्राकृत में गीत गाती है और उसने सरस्वती स्तुति, एक अपभ्रंश की स्तुति है, उसको वो बड़े बड़े मंत्रालयों के कार्यक्रमों में सुनाती है, तो वो सब लोग दंग रह जाते हैं कि प्राकृत में इतनी अच्छी स्तुति कैसे गाई जा सकती है। लोग पहली बार सुनते हैं तो लोगों को आनंद आता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, बहुत सारे साधक लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी कहीं किसी कार्यक्रम में मंगलाचरण करें तो वो प्राकृत में ही करें, और कहें लोगों से कि अब हम प्राकृत भाषा का एक मंगलाचरण करने जा रहे हैं। सीधे पढ़े नहीं, मैं कह रहा हूं आपको रमोकार मंत्र भी पढ़ना है तो उसके पहले ये बताएं। आपको मालूम है अभी बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि रमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में, लोग ये सोचते हैं तो संस्कृत में होगा या अपभ्रंश किसी और भाषा में होगा, उनको ये पता नहीं है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो इस मंत्र को बोलते हैं वो प्राकृत भाषा का मंत्र है। तो किसी भी कार्यक्रम में कोई भी कोई विद्यार्थी जाए, कोई भी जाए, और आपको कुछ भी अपने भाषण से पहले या कुछ भी कहना हो तो सबसे पहले आप प्राकृत भाषा का मंगलाचरण करें, कॉमन प्लेस पर जाकर करें, और लोगों से कहें कि मैं आपके सामने प्राकृत भाषा, भारत की एक प्राचीन भाषा प्राकृत में एक मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं, और बड़े अच्छे स्वर से उसको गाएं, तो लोग उसको सुनकर उसके प्रति उनकी श्रद्धा और उसका महत्व तो उनको भाषित होता है कि ये उस भाषा में बोल रहे हैं जिस भाषा में भगवान महावीर बोलते, जिस भाषा में हमारे आचार्य लोग बोलते थे, जिस भाषा में हमारे आगम लिखे गए, तो उससे उसका महत्व तो प्रतिपादित होता है। एक आपको जानकारी और दूं, मैंने एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया है, इसका नाम है प्राकृत भाषा कंप्यूटर इंटरनेट और विज्ञान। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, और इसके एक अंतिम इसका अध्याय है उसकी कुछ बातें आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसमें बहुत सारे लिंक्स बतलाए हैं कि आज आप ऑनलाइन प्राकृत के माध्यम क्या क्या हैं, जैसे आपको प्राकृत की पांडुलिपियाँ अगर पढ़नी हो पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत सारी उपलब्ध है, तो www.jainlibrary.org यहाँ पर आप जाएंगे तो प्राकृत के बहुत सारे ग्रंथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज आपको आगम खरीदने पे भी उपलब्ध नहीं होते, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे पीडीएफ यहाँ हैं, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये भी मीडिया का एक बहुत बड़ा www.jainagam.com
इसी तरह jainworld.com पर भी है और jaingrants.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर प्राकृत के आगम बहुत सारे मौजूद है। और अगर आपको प्राकृत आगमों पर आधारित लेख भी देखने हो तो jainlibrary.org पर बहुत सारे लेख हैं। इसी तरह विकिपीडिया में भी प्राकृत की सामग्री है, लेकिन बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है। अपेक्षित है कि विकिपीडिया पे सब लोग एडिट कर देते हैं, तो बहुत अधिक जानकारी इसमें हमारी इस भाषा के बारे में निश्चित होनी चाहिए। और एक britannica.com करके भी है, वहाँ भी freedictionary.com करके है, वहाँ भी प्राकृत भाषा के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। और jainhistorytripod.com प्राकृत HTML है, वहाँ पर भी हम प्राकृत के बारे में बहुत कुछ देख सकते हैं। इसी तरह आप देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राकृत का जो अध्ययन चल रहा है उसको वहाँ की वेबसाइट पर जा करके हम देख सकते हैं, ORININST करके उनकी वेबसाइट है। और प्राकृत व्याकरण के विद्वान और उनका योगदान आपको देखना हो तो indiannetzone.com, यहाँ पे हम प्राकृत लैंग्वेज को देख करके देख सकते हैं। इस तरह मैं देखूँ बहुत सारी चीज़ें, और ये तो 2-4 साल पहले का लिखा हुआ है, लेकिन अगर आज के समय में देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो गई हैं नए नए तरीके से। अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मीडिया हाउस है, अगर उनमें से कुछ लोग ये चाहें कि हम प्राकृत भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं, तो देखिए एक बहुत सरल माध्यम है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन RNI में बाईलिंगुअल हुआ है, तो बाईलिंगुअल का अर्थ होता है कई भाषाओं में, तो आप उसमें एक प्राकृत भाषा का ऑप्शन भी डाल दीजिए। उनसे कहिए कि हम एक पेज प्राकृत में छापेंगे, उसमें आप अगर 50 पेज की पत्रिका निकालते हैं तो एक पेज आप प्राकृत के लिए आरक्षित कर दीजिए कि इसमें हम प्राकृत की गाथाएं उसका अर्थ या प्राकृत की कोई कहानी उसका अर्थ ऐसे हम समझाएंगे ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे। और नियमित अखबार जो निकालते हैं, डेली न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि जैसे आप देखिए हर कॉलम, खासकर मेन पेज पर कई अखबारों में आज के विचार छपते हैं, सुभाषित छपते हैं, तो वो एक कॉलम होता है जिसमें लिखा रहता है आज के विचार सुभाषित, प्रायः उसमें गीता के उपदेश या अन्य उपनिषदों के उपदेश भी छपते हैं। तो आप एक कॉलम और उसमें शुरू कर सकते हैं कि गाथा, गाथा करके या प्राकृत आगम वाणी करके कर सकते हैं, जैसे कई अखबारों में मैंने देखा वो लोग करते हैं। तो आप उनमें एक गाथा प्राकृत की और उसका अर्थ अगर आप रोज के अखबार में देना शुरू कर दें तो आप मानिए लाखों लोगों तक अखबार जाता है और हजारों लोग ऐसे हैं जो इस कॉलम को पढ़ते हैं कि आज का शुभ विचार क्या है और आज प्राचीन गाथाओं में आज के दिन हम ये पढ़ेंगे क्या बात कही गई। और उसके लिए अगर आपके पास ग्रंथों की समस्या हो तो मैं आपको, आप प्राकृत विद्वानों से संपर्क कर सकते हैं, आपको ग्रंथ भी उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं तो आप ये देखिए एक समण सुत्तम नाम का ग्रंथ है, इसमें इसको छुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने संकलित किया था और इस पर सभी संप्रदाय के आचार्यों ने अपनी मोहर लगाई थी, माने दिगंबर श्वेतांबर, देखिए दिख रहा होगा ये संगीति जो हुई थी इस पे सभी आचार्यों ने अपनी सहमति जाहिर की थी। और यह भी एक प्राकृत आगम का बहुत महत्वपूर्ण संकलन है आज के परिप्रेक्ष्य, आधुनिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, और इसमें हर विषय पर जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी गाथाएं संकलित हैं, उनका हिंदी में अंग्रेजी में अर्थ है। और इसमें से एक एक गाथा लेकर के आप अपने मीडिया में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया जो भी है उसमें कॉलम शुरू कर सकते हैं कि हमने ये प्राकृत की गाथा देना शुरू कर दिया है। तो आप निश्चित रूप से मानिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। और आप अपनी पत्रिका में एक कॉलम प्राकृत भाषा सिखाने का भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी किताबें ऐसी छपी हुई हैं जिनमें से आप मैटर ले सकते हैं साभार और क्रम से प्राकृत भाषा का परिचय देते हुए उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब अपनी संस्थाओं का निर्माण करते हैं कोई, तो हम कोई ना कोई आदर्श वाक्य उसमें बनाना चाहते हैं कि लोगो, लोगो आप समझते हैं जो ध्येय वाक्य होता है। तो कई संस्थाओं ने ध्येय वाक्य प्राकृत के आगमों से लेकर बनाए हैं, लेकिन अभी नई जो संस्थाएं बन रही हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप प्राकृत के आगम की वाक्य को लेकर के अगर
लोगो बनाते हैं तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हुआ, क्योंकि लोगो हर जगह छपता है और लोग उसका अर्थ भी समझते हैं, इसका कोई महत्वपूर्ण अर्थ है। और निश्चित रूप से हम संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों से, तो आप अगर प्राकृत को प्रमोट करना चाहते हैं तो अब इसमें गाथाएं हैं और उनमें से कोई एक वाक्य, जैसे इंदौर में एक संस्था बन रही थी, ज्ञान विज्ञान की संस्था है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्राकृत का कोई मुझे ध्येय वाक्य बताइए कहीं से, तो रयण सार में एक गाथा आती है उसमें अध्ययन मेव झाड़म ये लिखा, मैंने अध्ययन ही ध्यान है, तो मैंने उनको बताया तो उन्हें बड़ा पसंद आया और उन्होंने उसको अपना ध्येय वाक्य बनाने को बोले, मैं बनाऊंगा इसको कह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर प्राकृत के ध्येय वाक्य भी बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से चारों तरफ इसका प्रचार होगा, लोग प्रश्न पूछेंगे कि ये क्या किस भाषा में, तो आपको एक्सप्लेन करने का अवसर भी मिलेगा। और एक देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल्स हैं, आज आप देखिए कोरोना का संकट चल रहा है तो 24 घंटे एक ही कार्यक्रम को रिपीट करते रहते हैं, वही समाचार दिखाते रहते हैं। लेकिन कभी न्यूज़ चैनल्स को और भी मीडिया को ये सोचना चाहिए कि हमको कुछ समाज की सेवा भी करनी है, इसलिए कुछ सामाजिक दायित्व को समझते हुए 10 मिनट 5 मिनट का कार्यक्रम ऐसा भी रखना चाहिए कि हम प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की वाणी आपको सुना रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, और आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बीच में कोई मैसेज डाल दें कि देखिए प्राचीन काल में गाथा आई थी, क्या कहा गया था। अभी मैं दूरदर्शन पर एक उपनिषद गंगा करके कार्यक्रम देख रहा था, कितना सुंदर जो उपनिषदों के श्लोक हैं उनके माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से एक कितना सुंदर आध्यात्मिक मैसेज वो दे रहे थे। तो मैंने देखा मीडिया कितना प्रभावशाली है, जिन ग्रंथों में जो श्लोक लिखे हैं और उनको कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई प्रेरणा ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया में आने से वो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। तो इस माध्यम से हम उसको, आप देखिए आप आगम गंगा करके एक कार्यक्रम बनाइए और उसको मीडिया में दिखाइए तो देखिए कैसे लोग पसंद नहीं करते। बस प्रस्तुतिकरण करने का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, उसका तरीका अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, आप संस्कृति का संरक्षक हमारे मीडिया को बनना चाहिए और वो इसके माध्यम से बहुत काम कर सकते हैं। आप एक बीच में एक गाथा उसका अर्थ बतला दीजिए और कभी प्राकृत भाषा को लेकर डिस्कशन रख सकते हैं। मुझे ध्यान है दूरदर्शन ने एक अपनी बात कार्यक्रम आता है उसमें उन्होंने प्राकृत के सब विद्यार्थियों को बुला करके, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर इंदु जैन जी का और प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी जो उस समय बीएल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने सबको संयोजित करके वहाँ पे एक घंटे का एक कार्यक्रम रखा था जिसमें प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी भी थे, प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी, प्रोफेसर जीतू भाई शाह और प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, और हम लोग उसमें सब विद्यार्थी अध्यापक के रूप में सब बैठे हुए थे और एक घंटे का कार्यक्रम दूरदर्शन ने दिखाया। और दूरदर्शन के जो निदेशक थे उन्होंने कहा ये तो बहुत गजब का हमारा सक्सेस कार्यक्रम रहा और इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर मीडिया के माध्यम से हम प्राकृत को प्रमोट करें तो ऐसा नहीं है कि लोग देखेंगे नहीं, लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, लेकिन उनके पास वैसे व्यक्ति पहुंचने चाहिए उस कार्यक्रमों को संयोजित करने के लिए। तो वो कार्यक्रम हुआ, इसी तरह महावीर जयंती पर भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम प्राकृत भाषा के कार्यक्रम को जरूर रखें, क्योंकि भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा प्राकृत रही है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जोड़ करके बता सकते हैं, कह सकते हैं, मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की है और आपको बताने का भी प्रयास किया है। मैंने एक अहिंसा दर्शन ये एक ग्रंथ लिखा है, अहिंसा दर्शन, ये हमारे विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसको प्रकाशित किया है, और इसमें प्राकृत आगमों के आधार पर जो अहिंसा के सूत्र हैं उनको मैंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की है। तो इस तरह का प्रयास हम आधुनिक आगे की पीढ़ी भी कर सकती है। एक ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की टीका है जो कि प्रवचन सार आचार्य कुंद का ग्रंथ है, इसमें उन्होंने बड़ी मार्मिक इसकी व्याख्या की है, तो इसका भी मुझे संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसी तरह मैं आपको एक पांडुलिपि का भी मैंने संपादन किया था, ये संवेक चूड़ामणि, ये मुझे पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, इसका मैंने संपादन अनुवाद किया और ये संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है।
और इसकी जब पांडुलिपि का संपादन किया तो मुझे इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और मेरी माँ है, उनको तो हम लोग हमेशा जिनवाणी माँ बोलते हैं, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, वो उन्होंने इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मदद की थी और उन्होंने सिखाया, चूँकि वो पार्श्वनाथ विद्यापीठ में कई पांडुलिपियों का संपादन करके प्रकाशन कर चुकी थी, तो उनका बहुत अच्छा अभ्यास था। और वो आज भी सीधे पांडुलिपियों को लेख करके हम लोग तो कभी कभी घबराते हैं, लेकिन वो सीधे उसको सीधे ऐसे पढ़ जाती जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं। तो ये अभ्यास का प्रतिफल है। उन्होंने मेरे पिताजी के साथ मूलाचार की पांडुलिपियों का अध्ययन किया और उसके साथ संपादन किया, तो उनका इतना अनुभव था। और उस समय हम लोगों को भी, भाई बहनों को बिठा करके पिताजी मिलान करवाते थे पांडुलिपियों से कि उसमें देखो क्या पाठ है उसमें। तो ये एक जो बचपन के संस्कार दिमाग में बैठ गए और उसके प्रतिफल से हम लोग ये सारे काम उन लोगों के आशीर्वाद से सब कर रहे हैं। और इसी तरह मैंने एक संस्कृत की पांडुलिपि का संपादन किया, ये भी संपूर्ण आनंद से छपी हुई है, षड् दर्शनेषु प्रमाण प्रमेय समुच्चयः। तो ये जो पांडुलिपि है ये संस्कृत, षड् दर्शनों का इसके अंदर वर्णन है। तो इनसे मुझे पांडुलिपियों से रूबरू होने का अवसर, मैं मानता हूँ विद्यार्थी काल में ही जब मैं शोध कार्य कर रहा था उसी समय हो गया था। और मैंने एक ग्रंथ का संपादन किया है, आपने सुना होगा, प्रमेय कमल मार्तंड। ये प्रमेय कमल मार्तंड सार, देखिए ये भी एक नया प्रयोग जैसा करने का प्रयास है। आचार्य प्रभाचंद्र का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रमेय कमल मार्तंड सार। और कल आपने चर्चा सुनी होगी, प्रोफेसर राजा राम जी ने भी इसके बारे में बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण कृति आचार्य प्रभाचंद्र की है। और प्रायः ये आचार्य की परीक्षाओं में कोर्स में हुआ करती है और बहुत अच्छी बड़ी टीका मानी जाती है। और विभिन्न भारतीय दर्शनों का इसमें इतना समावेश है वो मने अतुलनीय है। और इसके साथ समस्या ये थी कि इतना विस्तृत और बृहद है कि अगर जिनमती माता जी के अनुवाद को देखें तो ये 3 वॉल्यूम में हमारे सामने, और प्रायः हमारे विश्वविद्यालयों में इसका प्रथम परिच्छेद ही रखा जाता था, क्योंकि माणिक्य नंदी का जो परीक्षा मुख सूत्र है उस पर आधारित ये टीका है, तो प्रथम परिच्छेद रख करके हम बात कर, तो पूरा ग्रंथ विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते थे। तो मैंने ये प्रयास किया कि इसके जो मूल ग्रंथ के महत्वपूर्ण, जिसमें अपनी बात भी खंडित ना हो, और सूत्रों की टीका उसके सामने आ जाए जो मुख सूत्र है, और जो तर्क हैं, मान लीजिए एक ही बात के लिए 8-10 तर्क दिए जा रहे हैं और शुरू के 2-3 तर्कों से ही बात हो रही है, तो मैंने इस तरीके से बैठकर मूल ग्रंथों का ही संक्षिप्तीकरण करने की कोशिश की। तो वो जो 3 वॉल्यूम में था उसके बाद ये 1 वॉल्यूम तैयार हो गया, और इसमें मैंने लगभग 8-10 साल मैंने इसमें परिश्रम किया और ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है ये ग्रंथ। और इसमें इसका फिर मैंने इसको इसका अनुवाद भी किया, और जहाँ मुझे अच्छा लगा इसका विवेचन भी मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और मैंने अपने पिताजी से संपादन का अभ्यास सीखा और उसके दौरान मैंने जो उन्होंने ये आवश्यक निरुक्ति ग्रंथ, आप देखिए अभी अर्धमागधी परंपरा में एक ग्रंथ है आवश्यक निरुक्ति जिसमें षट आवश्यकों का वर्णन है, लेकिन शौरसेनी दिगंबर परंपरा में अलग से कोई ग्रंथ ऐसा था नहीं, लेकिन जो मूलाचार आचार्य वट्टिकेर का है उन्होंने एक पूरा अधिकार लिखा है और उस अधिकार का नाम है आवश्यक निरुक्ति जिसमें षट आवश्यकों का वर्णन है। तो उसी अधिकार का संपादन अलग से करके मेरे पिताजी ने किया, तो मैंने उनका सहयोग दिया और मैं सह संपादक के रूप में इसमें हूँ। तो मैंने काफ़ी बारीकियाँ उनके माध्यम से सीखी, इसको बोलते आवश्यक निरुक्ति, और इसका प्रकाशन हमने स्वयं जिन फाउंडेशन के माध्यम से किया है। और ये बड़ा अच्छा ग्रंथ है, आज हम कह सकते हैं कि ये दिगंबर परंपरा की आवश्यक निरुक्ति है। और इसी तरह एक प्राकृत भाषा विमर्श नाम का ग्रंथ, ये विशेषकर जो भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में कोर्स चलता है उसमें नए नए लोग आते हैं जिन्हें प्राकृत भाषा का उतना पता नहीं होता, तो उनको पूरा परिचय कराने के लिए और कोई भी जन सामान्य को समझाने के लिए मेरे पिताजी ने ये ग्रंथ लिखा था प्राकृत भाषा विमर्श, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोग इसकी मांग करते हैं कि
संक्षेप में यदि प्राकृत भाषा को समझना हो उसका अर्थ, तो उसमें लगभग सभी बातों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। और इसी तरह एक मेरी बड़ी प्रसिद्ध कृति हुई जैन धर्म एक झलक, ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की प्रेरणा से मैंने सन 2004 में लिखी थी और 2005 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसकी लगभग 50,000 प्रतियां अभी तक छप चुकी हैं और जा चुकी हैं। तो संक्षेप में जो प्राकृत आगमों में जो दर्शन का विषय आया है उसको हमने इसमें समझाने की कोशिश की है सरल भाषा में। तो मैंने कई तरह से ये प्रयास किया है और मैं आगे भी चाहता हूँ। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई लोग काम कर रहे हैं। मैंने देखा एक प्राकृत अभियान करके एक प्रयास किया गया है जिसमें प्रतिदिन के समाचार वो प्राकृत में लिखते हैं और एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिसमें बोल प्राकृत के समाचार बोल करके वो सुना रहे हैं और एक उसमें उन्होंने चैनल बनाया बच्चों के लिए कि बच्चों को प्राकृत भाषा का व्यवहार कैसे कराया जाए उसके माध्यम से वो सिखा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता यहाँ पर और सबका इस समय संक्षेप में ये सारी बातें कहना संभव नहीं है यहाँ पर क्योंकि उसका विषय का विस्तार बहुत ज़्यादा है। आज चूंकि ये अवसर मुझे मिल गया, मेरे पिताजी ने आज्ञा दी कि आज का गैप नहीं होना चाहिए श्रुत सेवा और इस श्रुत पंचमी की व्याख्यान श्रृंखला का, तो तत्काल ये व्यवस्था हो सकती थी। तो मैंने कहा मैं कुछ अपने प्राकृत भाषा और मीडिया से संबंधित कुछ अनुभव आपके सामने शेयर करूं। देखिए अभी वर्तमान में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं, छोटी छोटी पत्र पत्रिकाएं भी निकलती हैं, बड़ी बड़ी भी निकलती हैं। मैं उन सब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पत्रिका में प्राकृत भाषा का एक कॉलम जरूर रखें और प्राकृत की गाथाएँ बहुत सुंदर सुंदर उसके अर्थ को समझाएँ और उसमें प्रकाशित करें। निश्चित रूप से लोगों के मन में रुचि जागृत होगी। जैसे कई लोग कई पत्रिकाएं करती हैं, जैसे स्वाध्याय संदेश है और भी पत्रिकाएं मैंने देखी हैं, वो आगमवाणी करके उसमें निकालते हैं। आगमवाणी जिनवाणी एक पत्रिका निकलती है वो भी आगमवाणी, आगमवाणी माने आगम में जो बात आई है प्राकृत भाषा में वो लिख देते हैं और उसका अर्थ लिख देते हैं। तो आदमी क्या है, पूरे ग्रंथ पढ़ना सबके लिए संभव नहीं हो पाता तो एक कोटेशन जरूर देख लेता है। आप ये समझिए प्राकृत की चीज़ें जीवित रहेंगी। और आप सभी से निवेदन है, आप अपने बच्चों को अपने परिवार में सबसे ये कहें कि प्राकृत के आगम हैं जो, उनके मंगलाचरण को अवश्य याद कर लें और जहाँ कहीं भी अवसर मिले प्राकृत के मंगलाचरण से अपनी बात प्रारंभ करें और कहें। और वर्तमान में अभी जैसे जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, अरिहंत चैनल और यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जो हमारे समाज के लोग भी संचालित कर रहे हैं, धार्मिक रूप से भी कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप एक व्याख्यान प्राकृत भाषा पर जरूर रखा करें। लोगों को देखिए दो तरीके की बात, एक प्राकृत भाषा आना और प्राकृत भाषा के बारे में पता होना। तो कम से कम पहला स्टेप तो पूरा हो कि कम से कम उन्हें प्राकृत भाषा के बारे में तो पता रहे, ये अज्ञान तो दूर हो कि रणमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया है और प्राकृत की गाथाएं याद हो जाएं। तो मैं मानता हूं आप एक बार अगर सरल भाषा में पढ़ लेंगे, मुझे अभी बनारस जाने का अवसर मिला तो मेरे पिताजी वहां समय सार का, उन्होंने लगभग एक साल से वो समय सार पर प्रवचन कर रहे हैं और सिर्फ उसके दर्शन पक्ष को नहीं बल्कि उसके भाषा पक्ष को लेते हुए और उनके साथ जो कई महिला पुरुष जो श्रावक श्राविकाएँ हैं जो उनकी कक्षा में रहते हैं, मुझे एक दिन उनके स्थान पर कक्षा लेने का अवसर मिला तो देखा मैंने कि सब लोग प्राकृत की गाथाएं सुना रहे और समय सार की गाथाएं उन्हें याद हैं। तो मुझे उनके मुख से सुनकर बड़ी खुशी हुई और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है जब छोटे छोटे बच्चे प्राकृत की गाथाएं सुनाते हैं आगम की, तो मुझे लगता है भगवान की ये जो वाणी है ये इनके कंठ में बस गई है। तो ये कितना अच्छा हमारी मूल परंपरा को सुरक्षित रखने का काम, आपको पता है आगम की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी है और अगर हम भाषा सुरक्षित रहेगी तो आगम सुरक्षित रहेंगे। यदि भाषा सुरक्षित नहीं रही तो आगमों को बचाना बहुत कठिन हो जाएगा, लोग सिर्फ अनुवाद देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, मूल वाणी को नहीं देख पाएंगे। अभी जब ये बात आई कि मुझसे लोगों ने कहा कि आप तो ये प्राकृत में छापते हैं पागद भाषा, इसका हिंदी में अनुवाद करिए,
तो मैंने कहा कि हमारे मैंने भारत सरकार के लिए इसको प्रकाशित किया है ताकि उस भाषा में इसका रजिस्ट्रेशन हो सके और उस भाषा को वहाँ प्राण मिल सके, इसलिए मैं इसका अनुवाद नहीं करता हूँ। लेकिन जब ये चर्चाएं शुरू हुई तो उसके साथ एक चर्चा और आई कि प्राकृत को किस अलग-अलग लैंग्वेज में कैसे समझाएं। तो ये बात आई कि आज विदेशों में भी प्राकृत की बहुत डिमांड बढ़ रही है, उसको लोग समझना चाह रहे हैं, तो मीडिया इसमें क्या मदद कर सकता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसी तरह एक चर्चा चली, तो ये जिम्मेदारी हमारे लघु भ्राता डॉक्टर अरिहंत जैन मुंबई ने संभाली, क्योंकि अंग्रेजी इंग्लिश में उनकी अच्छी गति है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक अखबार शुरू करता हूँ। और देखिए, जब युवाओं के अंदर जज्बा होता है, उनको थोड़ी सी आप दिशा दे दें तो कितना बड़ा काम करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी मेहनत से खुद कंप्यूटर पर बैठ करके उन्होंने एक अखबार शुरू कर दिया है, प्राकृत टाइम्स। तो मैं मानता हूँ प्राकृत के क्षेत्र में ये भी एक नई युग की शुरुआत है। उन्होंने प्राकृत के कार्यक्रमों को, प्राकृत भाषा के बारे में, प्राकृत विद्वानों के बारे में, प्राकृत गाथाओं के इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर के, क्योंकि विदेश में प्राकृत को लेकर बहुत काम हुआ है, जर्मनी के विद्वानों ने और अमेरिका, लंदन इत्यादि जगह के विद्वानों ने बहुत। अभी एक रशियन लेडी है, प्रोफेसर नातालिया, उसने समय सार आदि कुंद कुंद के सारे आगमों को प्राकृत भाषा में अनुवादित कर दिया, नहीं रशियन भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर दिया। आप देखिए, विदेश के लोगों के अंदर इतनी रुचि है, और हम लोग भारतीय अपनी इतनी संस्कृति, इतनी सभ्यता को लेकर के फालतू समय इधर उधर गंवा रहे हैं, लेकिन अपनी वैभव को नहीं पहचान पा रहे हैं, खुद के वैभव को। आज ये काल आया है, मेरे अनुज डॉक्टर अरिहंत जैन जो इस पूरी श्रृंखला के संयोजक हैं, उन्होंने प्राकृत टाइम्स अखबार निकाल कर एक क्रांति मचा दी है। और सबसे बड़ी, जब भारत में तो लोग पसंद कर ही रहे हैं, उसको विदेशों में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि दिस इज़ अ गुड वर्क, और उन्होंने इसको बहुत प्रोत्साहित किया है। और मैं मानता हूँ कि वो आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और इसको ऊंचाइयाँ प्रदान करेंगे। और इसी तरह आगे की और भी जो पीढ़ियाँ हैं, जो भी नए लोग हैं, मैं उनके अंदर उत्साह भरना चाहता हूँ कि आप लोग निराश मत होइए, आप खुद अपनी जगह बनाइए, खुद नया काम करिए, खुद सबके सामने अपनी पहचान बनाइए। और आज एक बहुत सुनहरा अवसर आपके सामने है, मीडिया, और मीडिया आज आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है अगर आपको एबीपी या जी न्यूज़ वाले जगह नहीं देते हैं तो आप खुद अपना चैनल चलाना शुरू कर दी, आपकी बात में दम होगी तो उनसे ज़्यादा आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी और आपकी बात पहुँचेगी, आपकी भी पहचान बनेगी, और इसके माध्यम से भाषा का संरक्षण होगा। आज का समय ऐसा समय आया है, मैं मानता हूं ये स्वर्ण युग है, इतना कभी प्रचार प्रसार मैंने देखा नहीं। और आज इस कोरोना संकट के बाद पूरा विश्व भारत की तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है, उससे दिशा निर्देशन मांग रहा है। भारत विश्व गुरु का पुराना दर्जा पुनः प्राप्त करने जा रहा है, और इस में प्रतिपादित जो आचार मीमांसा है वो आज के इस काल में, चाहे वो क्वारंटाइन हो, चाहे आइसोलेशन हो, चाहे लॉकडाउन हो, मैंने कई आर्टिकल इसके बारे में लिखे हैं, ये सब के बारे में जैन आगमों में वर्णन बहुत, ओघ निरुक्ति एक अर्धमागधी आगम का ग्रंथ है, उसके अंदर सारी चीजों की व्यवस्था, उन्होंने बीमारियों के लक्षण भी बता दिए, बहुत सारी बातें बता दी प्राचीन आगमों में। तो आप आज भी उन आगमों के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह करके निश्चित रूप से ये पूरा विश्व, और अभी वर्तमान में हमारी सरकार भी ऐसी है जो प्राचीन चीजों को बहुत महत्व दे रही है, हमारी भारतीय संस्कृति को महत्व दे रही है, तो इसका फायदा हमें मीडिया हाउस को उठाना चाहिए, हमारे नए नई पीढ़ी के लोगों को उठाना चाहिए। अगर वो इस तरीके का काम करेंगे तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से सुनहरा भविष्य हमारा अपना भविष्य होगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत चीजें कहना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि समय की, और मैं बहुत संक्षेप में ये बातें आज कहना चाहता था, आज की ये श्रृंखला हमने, आप लोग इसका इतना समर्थन कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक सूचना मैं आपके सामने देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में हमारा मुनि संघ इस बारे में बहुत काम कर रहा है, मुनि सुनील सागर महाराज जी,
और मुनि आदित्य सागर महाराज जी और मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी ने बहुत अनेक नई नई रचनाएं लिखी हैं। देखिए युवा मुनि हैं और आचार्य हैं, लेकिन ये जो हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि आचार्य विद्यानंद जी ने ये जो झंडा प्राकृत भाषा को लेकर प्रारंभ किया था निश्चित रूप से बहुत काम कर रहा है। मैं जब जैन विश्व भारती संस्थान में आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में वहाँ कुछ वर्ष रहकर मैंने अध्ययन किया, वहाँ शोध कार्य किया, तो उन्होंने भी मुझे प्राकृत भाषा में काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। अभी उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है और वो खुद प्राकृत भाषा थे और वर्तमान में भी बहुत सारे साधु संत मुनि, मैं मानता हूँ दिगंबर परंपरा में श्वेतांबर परंपरा में अनेक युवा साधु साध्वी मुनि बहुत भाषा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन सब से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और हमें अपने उत्साह को कम नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोग आपको हतोत्साहित भी करें, लेकिन वो कुछ ही लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं, अपना हर पल सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैंने देखा, मैं जब स्वर्ण बेलगोला भट्टारक स्वामी जी के पास गया तो उन्होंने इस पागत भाषा के अंक के लोकार्पण के लिए एक बृहद कार्यक्रम अलग से रखा, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक छोटा सा अखबार मैंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने पूरे मंडप में पूरा बैनर लगा के सबसे इस पागत भाषा के एक एक अक्षर वहां पे कई विद्वानों से पढ़ा, प्राकृत इंस्टीट्यूट के जो विद्वान हैं उनसे इसका पूरा वाचन करवाया और मुझे सम्मानित भी किया। तो देखिए आप, ऐसा नहीं है, लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं और मैं प्रयास करूंगा आगे भी हमारे वरिष्ठ विद्वान जो हमारे और हैं जिनसे हमारे संपर्क हो पाए हैं, कई विद्वानों से हमने संपर्क किया वो अस्वस्थ हैं, वरिष्ठ विद्वानों आप देखिए, मैं एक सलाह दे करके मीडिया हाउस को और हमारे नए साथियों को अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग आज हमारे जो वरिष्ठ विद्वान हैं, प्राचीन विद्वान हैं जो अभी वर्तमान में हैं, इन्होंने जो शास्त्र सेवा कर दी वो कर दी, आप उसका उपयोग करिए और उनकी वाणी को अपने इसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको रिकॉर्ड कर लीजिए और उनको सुरक्षित रखिए ताकि आगे के लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त हों, उनके जो विचार हैं, उनकी वाणी है उसको निश्चित रूप से। तो ये एक प्रयास हमने श्रुत सेवा का, श्रुत पंचमी के माध्यम से प्राकृत दिवस को मनाते हुए प्रारंभ किया है। आगे श्रुत पंचमी तक हमारी ये श्रृंखला चलेगी और हमारे सब लोग, हमारे साथी सब लोग हमारा सहयोग देते हैं। मैं आप सभी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस श्रृंखला को इतना सराहा है। हमारे पास जितने फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं उससे लग रहा है कि हमारे प्राचीन विद्वानों को लोग कितना सुनना चाहते हैं। आप लोग भी सुनिए और आगे इसको शेयर करिए, मतलब आपने कोई बात सुनी तो उसको शेयर करेंगे तो और लोग भी सुनेंगे, और इस पेज को अगर आप लाइक कर देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो भी गतिविधि होगी इसकी सूचना ऑटोमेटिक आपके पास पहुँचती रहेगी। आपने आज इत्तेफाक था कि मुझे बीच में आना पड़ा और आप सबसे रूबरू होना पड़ा, आप सबसे अपनी बात कहनी पड़ी, आप सभी ने आज इतने धैर्यपूर्वक इतनी देर तक आज की हमारी इस बात को सुना, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने पिताजी प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी एक डेढ़ घंटे पहले वहाँ से इंजेक्शन लगाया मेरे अंदर कि निश्चित करना है आज आपको सबसे बात करनी है इस बारे में, ये श्रृंखला की कड़ी आज तोड़नी नहीं है, लगातार चलनी है कल से, और बड़े बड़े विद्वानों के निरंतर आपको इसी तरह बहुत सारी बातें सुनने को अनुभव मिलेगा। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर अनेकांत जैन और रुचि जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमो जिड़ाणो।